नमस्कार। 26 अगस्त को मदर तेरेसा जयंती है। 26 अगस्त 1910 को मदर तेरेसा का जन्म हुआ था और आपकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को भी। विलायत से आकर कोलकाता को अपना कर्म भूमि बनाकर आजीवन सेवा कार्य करने पर आप कलकत्ता की संत तेरेसा कहलाती हैं। इंसानियत की विशिष्ट सेवा के लिए और आपके द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी अहम ख्याति है। मदर तेरेसा अल्बेनिया में याने उस्मान साम्राज्य उत्तर मासिडोनिया के वर्तमान राजधानी स्कोपजे में पैदा हुई थी। आपका मूल नाम अंजेजे गोंजे बोजझियू था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है एग्नेस रोसबर्ड या लिटिल फ्लावर, या यूं कहा जाए फूल की कली। 12 साल की उम्र में समाज सेवा की जिंदगी की ओर लगाव हुआ। लोरेटो बहनों के धर्म संघ में सदस्य बनने के लिए आप आयरलैंड गए। फिर भारत आकर कोलकाता में तेरेसा नाम से दीक्षा ली और विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के तौर पर पढ़ा रही थी। इस बीच 1943 में बंगाल में अकाल हुआ। आजादी के बाद हिंदू मुसलमान दंगा भी हुआ। कोलकाता की गरीबी को देखकर आप बहुत परेशानी महसूस कर रही थी। एक दिन 1946 में जब आप रेलगाड़ी से सफर कर रही थी, आपको अंतरात्मा की पुकार मिली। गरीबों व लाचारों की सेवा के लिए ईसा बुला रहा है, ऐसा लगा मानो बुलावे के भीतर एक बुलावा। आपका मानसिक बदलाव हुआ और लोरेटो धर्म संघ छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि बहन तेरेसा को मदर तेरेसा बनना था। यह असल में उनके विश्वास की परीक्षा थी। पटना के होली फैमिली अस्पताल से नर्स की उपाधि लेने के बाद 1950 में मदर तेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक धर्म संघ की स्थापना की और ताउम्र उसकी सदस्य बनी रही। आपने 2 बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी को अपना पोशाक बनाया। कोलकाता का 1952 में स्थापित निर्मल हृदय आश्रम आपके धर्म संघ का पहला केंद्र ही नहीं मुख्यालय भी है। इस समय आपके धर्म संघ में कुछ 5,000 बहने और भाई कुछ 140 देशों में कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य, सादगी और आज्ञाकारिता के अलावा वे गरीबों के गरीब की मुफ्त और हार्दिक सेवा की दीक्षा भी लेते हैं। आज मदर तेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अव्वल धर्म संघ है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कार्यकलापों में HIV/AIDS, कोढ़, तपेदिक आदि से बीमारों के लिए धर्मशालाएं, सूप रसोई, दवाखाना, चलता क्लिनिक, विद्यालय, अनाथ बच्चों व लाचार परिवारों के लिए मार्गदर्शन केंद्र आदि शामिल हैं। झुग्गियों में रहने वाले आवाजहीनों, हाशिए की ओर सरकाए हुओं, बेघर, भूखे प्यासे, अंधे लूले, बुजुर्ग व लावारिस हुए लोगों के लिए जाति धर्म आदि का फर्क किए बगैर कार्य किया जा रहा है। साथ ही आपने लाखों बेसहारों को जानवरों जैसे जीने के बाद फरिश्ते जैसे इज्जत के साथ मरने का मौका भी दिया।
मदर तेरेसा को शुरू शुरू में बहुत तंगी में रहकर काम करना पड़ा, मांग मांग कर खाना भी खाना पड़ा, फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आगे चलकर आपको मदद की कोई कमी नहीं रही। 1963 में उनके सेवा कार्य को भाइयों और सहयोगियों के लिए भी खोला। आज लाखों की तादाद में विविध समुदायों से स्वयं सेवक मदर तेरेसा के मिशन से तन मन धन से और सक्रिय रूप से जुड़े हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। जाहिर तौर पर मदर तेरेसा को प्रशंसा के साथ साथ आलोचनाएं भी खूब मिली। उनके काम के बारे में भला बुरा कहने वालों के लिए उनका रवैया था, कोई कुछ भी कहे उसे मुस्कान के साथ कबूल करे और अपना काम करते रहे। लेकिन आप पर बनी किताबें, फिल्म, सिक्का आदि ही नहीं, आपको मिली डॉक्टर, डीलिट आदि की अनगिनत उपाधियां व पुरस्कार, समाज के निचले पायदान के लोगों को इंसानियत की राह दिखाने वाली करुणा की इस मूर्ति के लिए बाकायदा वाह वाहियां हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेस दे क्यूलर ने कहा, मदर तेरेसा अपने आप में संयुक्त राष्ट्र है और वे खुद विश्व शांति है। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने 1992 में मदर तेरेसा की जीवनी लिखकर प्रकाशित की। 6 सितंबर 2017 को आप कोलकाता महाधर्म संभाग की सह संरक्षिका के रूप में घोषित हुई थी। आउटलुक पत्रिका ने आपको भारत की 5वीं बड़ी शख्सियत बताई। ये सभी बातें मदर तेरेसा की विशिष्ट सेवा की खुली स्वीकृति है, इसमें कोई शक नहीं है। मानव जाति की खास सेवा के लिए मदर तेरेसा को कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे 1962 में रमन मग्सेसाई शांति पुरस्कार, 1962 में भारत सरकार की पद्मश्री, 1971 में पापा जॉन 23 शांति पुरस्कार, 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न और 1985 में अमेरिका से मेडल ऑफ फ्रीडम। साथ ही 4 सितंबर 2016 को वेटिकन से कैथोलिक ईसाई परंपरा द्वारा आपको संत की उपाधि दी गई। आपको भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी दिया गया। लेकिन ये सभी पुरस्कार व सम्मान आपके सेवा भाव की गुणवत्ता के सामने फीके ही नजर आते हैं। मदर तेरेसा की कुछ बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं। जैसे हम समझ ही रहे हैं कि हम लोग जो करते हैं समंदर के महज एक बूंद के बराबर ही है, लेकिन यदि हम वह नहीं करते तो समंदर में वह बूंद कम रहेगा। उनकी नसीहत है, सादगी से जिएं ताकि दूसरे भी जी सकें। आप 100 लोगों का पेट भर नहीं सकते तो कम से कम एक का भरो। प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है, और समथिंग ब्यूटिफुल फॉर गॉड भी आपके जबरदस्त नशरिए में शामिल है। आप यह भी कहा करती थी, मैं खून से अल्बेनिया की, नागरिकता से भारत की, विश्वास से ईसाइत की, सेवा से दुनिया की और दिल से ईसा की हूं। आपकी मिली जुली शख्सियत भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए भी सचमुच मिसाल है।
संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के भीतर एक खास बात है, कोई पीछे ना रह जाए। बस यही मदर तेरेसा की मुहिम थी, यही इंसानियत की पुकार है, यही जीवन का सबसे खास मिशन है। कई कारणों से जो लोग पीछे रह जाते हैं, पीछे या किनारे किए जाते हैं और जिंदगी में मजबूर हो जाते हैं, इन्हें इंसानी जीवन की गरिमा और इज्जत वापस दी जाए, यही असली अध्यात्म है, ईश्वरीय साधना भी। मदर तेरेसा जयंती 2022 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग अपने देश व समाज के कमतरों और मजबूरों की सेवा में कुछ न कुछ जरूर करते जाएं। इस प्रकार इंसान होने के नाते हम लोग इंसानियत की गरिमा बनाए रखते हुए खुदा के लायक बने रहें। मदर तेरेसा की प्रेरणा इस रूप में हमारा काम आए। मदर तेरेसा जयंती की मंगल कामनाएं। धन्यवाद।